उधम कट रही है फुल, पोशम बा खेल रहे हैं ऊपर। जो है छोटी बेबी यानी कि नया मेहमान जो हमारे घर में आया है वो आ चुका है, मतलब हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है तारीख क्या है आज? 19 है शायद, हाँ 19 अप्रैल है आज। तो चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो गाइस सुबह हो गई है और हमारा चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं 10:45 और आज मायरा की हो गई छुट्टी। मायरा की मम्मा की आँख खुली 6:40 पर और जब तक तो गाड़ी निकल जाती है क्योंकि फिर तैयार व्यार करो और तब तक फिर बस आ जाती है। और फिर हमने कहा चलो छुट्टी हो गई आज। ओए क्या कर रहा है? हाँ जी, तो गाइस टाइम हो रहा है 1:10 हैं और नाश्ता हम लोगों का हो गया है और मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने, फ्राइडे भी है। चलिए चलते हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद आके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और जी चमचमाती हुई धूप निकली हुई है और फुल गर्मी हो रही है भाई साहब। दिल्ली में पड़नी शुरू हो गई है खतरनाक वाली गर्मी अभी से, पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। Moments later. तो जी गाइस हो गई है नमाज, मैं आ गया हूँ घर। जी गाइस 2:30 बज रहे हैं और बच्चा पार्टी आ गई नीचे, उधम कट रही है फुल, पोशम बा खेल रहे हैं। जी तो गाइस लंच टाइम, खाना खा रहे हैं हम लोग, चावल राइस और अंडा करी। आपको नहीं चाहिए राइस? क्या चाहिए? ये रोटी खाएंगे। The next day. चीज खाती हुई आ रही हो? हाँ जी गाइज वेलकम बैक। तो अभी आपने लास्ट शॉट में देखा महरा स्कूल से आ रही थी, महरा स्कूल से आ गई हैं, फ्रेश व्रेश हो गई हैं, बल्कि काफ़ी देर हो गई है आए हुए। मैंने चारों बच्चों को खाना वाना भी खिला दिया है। आज बच्चों की फरमाइश थी उन्हें चीनी का पराठा खाना है, तो सब बच्चों ने चीनी का पराठा खाया, मैंने भी थोड़ा सा चीनी का पराठा खा लिया था। और अभी माहू थोड़ा आराम कर रही हैं और दोनों जो हैं जेठ के जो बच्चे हैं वो चले गए हैं ऊपर क्योंकि उनके पापा आ गए हैं और अभी शायद वो दोबारा हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि पता चला है कि आज हो सकता है छुट्टी हो जाए। तो छुट्टी होकर वो लोग सब आज घर आ जाएंगे, तो अपनी मम्मा का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:00 और मैं अभी नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। और ऊपर जो है छोटी बेबी यानी कि नया मेहमान जो हमारे घर में आया है वो आ चुका है, मतलब छुट्टी हो गई है, वो भी आ गए हैं 5-6 शायद घर आ गए थे। तो चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको और हम भी मिलकर आते हैं क्योंकि हॉस्पिटल गए थे 2-4 के लिए मिले थे तो सही से मिल नहीं पाए थे, अब तो घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी। तो गाइस हम लोग आ गए नीचे बेबी से मिलके और ये बेबी क्यों रो रहा है? ठीक फूट गई। और आज खाने में बन रहे हैं छोले, आलू और छोले, ये मिक्स कैसे हैं भाई? काले वाले मिला दिए इसमें। ओके लाओ एक तो हमें दे दो। हाँ जी, तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30 और डिनर बना रही हूँ मैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने छोले और आलू की सब्जी जो है बना ली है, ऑलमोस्ट बन गई है। एंड आज बन रहा है डिनर में आलू छोले की सब्जी एंड पूरी। आज थोड़ा डिनर बनाने में लेट हो गई क्योंकि
बस आपको पता ही है ऊपर चले गए थे, उसके बाद फिर कुछ मेहमान आना जाना लगा हुआ है क्योंकि घर में नया बेबी आया है तो उनसे मिलने सब आ रहे हैं, फिर नीचे भी ऊपर भी सब आना जाना लगा हुआ है, तो फटाफट से अभी मेहमान गए हैं तो मैंने फटाफट से डिनर बनाया, डिनर की प्रिपरेशन करी, अब बनाने जा रही हूँ पूरी और पूरी बनाएंगे फटाफट से करेंगे डिनर। हाँ जी, तो गाइस लग गया है दस्तरखान और खा के बताइए कैसे मैंने फटाफट से बनाए। माहिरा आप भी बताओ जल्दी से, देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट बताइए। पानी पीती रहोगी आप भी बताओगी कुछ? ओह वाओ। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, खाना खा के भी 10-15 मिनट आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है और बस अब दिखाती हूँ यहाँ पे मायशु ना ऐसे खेलते खेलते लेट गई है, मेरे ख्याल से सोने वाली है, अभी मैं बिस्तर विस्तर करूंगी मायशु को सुलाऊंगी। माहिरा तो शाम दोपहर में सो गई थी तो इनका है कल संडे तो अभी थोड़ा सा देर तक जागेंगी क्योंकि दोपहर में सो गई थी। एंड हाँ जी, हमारे घर में नया बेबी आ गया है। एंड हाँ, आप लोग पूछोगे कि फेस नहीं दिखाया, जी अभी वो छोटी सी नन्ही सी जान है और अभी 2 ही दिन की हुई है, वो 2 या 3 दिन की हुई है तो अभी इसलिए हमने उसका फेस रिवील नहीं कराया, धीरे धीरे से व्लॉग्स आगे आते रहेंगे तो आगे के किसी भी व्लॉग में हमें जब सही लगेगा तो हम फेस रिवील भी कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए हैं और इतने प्यारे प्यारे नाम भी सजेस्ट किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो पहले 2 बेटियाँ हैं उनका नाम भी ना अलीमा अलवीरा ऐसे अल अल करके मतलब ए से नाम है, तो हम लोग सब लोग मतलब ये सोच रहे हैं उनके मम्मी पापा भी कि ए से ही कुछ नाम रखेंगे, अलीमा अलवीरा से अलीना या ऐसे करके ए से ही कोई नाम सजेस्ट करे, तो आप लोग अच्छे अच्छे नाम बताइएगा ए से, ए वर्ड से बताइए ताकि तीनों बहनों के ए ए ए हो जाएंगे, ठीक है। और बस इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि अब 10-12 दिन में हो जाएंगी माहिरा की समर वेकेशन, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स आते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। Bye-bye.